पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर जहां पूरा देश योगामय हो गया, वहीं सेना के जवानों ने जल, थल और वायु में योग किया। ये तीनों तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से देश आज योगा कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जल सेना ने जल में योगा किया, थल सेना ने थल में किया। और अगर हम बात करें हमारे जवानों की जिन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस में योगा किया है आज, ऐसी तस्वीरें जो भारत के अलावा किसी और देश में से नहीं सामने आ सकती। किस तरीके से पूरा देश इस वक्त योगामय हो चुका है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अद्भुत तस्वीरें योगा की भारत से आती हुई, जिस उत्साह के साथ आज पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, शायद ही किसी देश में इस तरीके से मनाया जा रहा हो। सत्ताईस सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार नरेंद्र मोदी ने योगा दिवस की बात की थी। उसके बाद जिस जोश और उत्साह से योगा मनाया जाता है पूरे देश में, वो वाकई देखने लायक है। और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी नजर होती है लोगों की योगा दिवस पे। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जल पर योग, थल पर योग और वायु में योग, अद्भुत तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर तमाम जगह से अद्भुत तस्वीरें आई। अगर हम बात करें बनारस की, तो वहां से जल योग आया, उसी के बीच में हमारे जवानों की तस्वीरें सामने आती हुई। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश सोनी। राकेश, तस्वीरें देख के ही मन गर्व से भर जाता है। बिल्कुल गौरव से, जिस तरीके से, क्योंकि जो आज की तस्वीरें अगर बात की जाए, योग दिवस की जो तस्वीरें आई, क्योंकि आज पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये जो तस्वीरें हैं ये खुद बयां कर रही हैं कि लोग योग को लेकर कितने जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को इसकी शुरुआत करी थी, उसको लेकर आज ये पांचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसको लेकर लगातार, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, सभी हो, सेना के सरकार को नेता हो, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे सीआरपीएफ, सभी एकजुट होकर इस योग दिवस में शामिल हो रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक गौरवशी एक महापर्व बनता हुआ चला जा रहा है योग दिवस, क्योंकि लोगों को काफी दिनों से इसका इंतजार रहता है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया का क्रेज ज्यादा चल रहा है, तो लोग योग दिवस की अपनी जो तस्वीरें हैं और योगा करते हुए खुद सोशल मीडिया पर भी डालते हैं और लगातार मीडिया भी चीजों को कवर करता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तस्वीरें खुद हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हो कि पानी के अंदर तक योगा लोगों ने किया है, जंगलों में योगा किया है, चाहे हमारे जो जवान थे उन्होंने टेम्परेचर जहां पर माइनस टेम्परेचर वहां पर जाकर भी, यानी कि जो आईटीबी के जो जवान थे उन्होंने योगा किया। तो सभी ने एकजुट होकर इस योग दिवस में शामिल हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसमें शामिल हुए। खुद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो रांची में योग दिवस में शामिल होते हैं, 35,000 के करीब जो लोग होते हैं उनके साथ योग किया है। तो कहीं ना कहीं गुरंसी एक महापर्व बनता जा रहा है और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लगातार जो इस तरीके का देखा जाता है कि योग को लेकर इंतजार रहता है, और जिस तरीके से, क्योंकि अब देखा जाए तो खुद भी योग के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार होता था कि लोग पहले अपने बॉडी को फिट करने के लिए जिम में जाया करते थे, लेकिन जब से अगर योग की बात करी जाए, योग शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत करी, उसके बाद कोई भी हो, विपक्षी दल के नेता हो चाहे खुद पार्टी के नेता हो, सभी एकजुट होकर इस योग में शामिल होते हैं और इस योग दिवस को बकायदा, जिस तरीके से जो योग का टाइम होता है उस समय योगा करते हुए नजर आते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारियों के साथ हम